তো এই আমার বেটাকে যখন মারতে ছিল তখন আমি বললি যে কেন মারছ কেন মারছ, হ্যাঁ মারে গাই, তুমি যাদা বলে গি, যাদা বলে গি, এলেকন কারত নেই আয়া হ্যাঁ তুম আয়া হ্যাঁ ইয়া পার, আমি বললাম কাহে আয়গা নেই, মেরা বেটা লোক আয়া হ্যাঁ তো হাম আয়গা নেই, না হ্যাঁ কাহে আয়া, উসি সময় মানে পুরা এক থাপড়ি জোর সে দিয়া আর দেখে এসে ঢেকলা আমাকে উধার যাকে গির গিয়া, তব হামকো মেরা বেটা না ইয়ে হামকো উঠায়া ও হামকো মানে ইয়ে নেই হ্যাঁ মানে কান বুড়া ইয়ে হো গিয়া মেরা ও সিপাহী যে ইসকো মারা মেরা বেটা কিস থা ইসকো যে মারা ওই মারা হামকো ভি ও বুলায়া গিয়া থা এমজিএম থানা মে 1 বজে और वहाँ पे हम लोगों का बात नहीं सुन के वही लोगों का बात सुन करके हम लोगों को मारा गया है, हमारे पीछे में बहुत मारा गया है, इधर कान में इधर में हाथ से मारे जा रहे हैं, मम्मी को मम्मी बचाने आ रहे हैं तो उसको भी थप्पड़ मारे और उसको हाथ से ढकेल के गिरा दिए, तो वहाँ पे मेरा भाई था अजी चालक उसको उठाया, पापा भी थे, तो ये सब हम लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है। और जमीन विवाद में दो चारों पार्टी का सुनना चाहिए, हाँ चारों पार्टी का ये करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम लोग को मार रहा है, अगर ऐसा होगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, कौन सा दरवाज़ा खटखटाएंगे, हाँ दिए थे उसका आवेदन हमको लिखित शिकायत में हमको नहीं दिया, वो रिसीविंग भी नहीं दिया और ना ही कुछ, हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं, विवाद तो कल से ही चल रहा है, ये मोहन चालक सुखदेव चालक राजन चालक और रतन चालक ये लोग के नाम पे यही लोग हम लोग ऊपर ऐसा कर रहे हैं, वहाँ का एक सिपाही मारे हैं, इसको जो मारा वही मारा हमको भी, पुलिस वाला मारे हैं वहाँ हमको जो मारा दिया जोर से मेरा कान और हम मेरे को वो पुलिस वाला तो डंडे डंडा पीछे तरफ में मारे हैं, बहुत मारे हैं और मना कर रहे हैं सर मत मारिए, हम मेरा क्या कसूर है, हाँ हम तो अपना हक के लिए यहाँ पे दिए थे आवेदन, मेरा नहीं सुन रहा है वो मेरा जो चाचा चौकीदार का नौकरी कर रहे हैं उसी का ही सुन रहे हैं आप, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, बस मारे जा रहे हैं, हम माफ़ी भी मांग रहे हैं सर माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गया तो बोलिए, हाँ लेकिन नहीं मारे रहे हैं, एमजीएम थाना में वो मारे बड़ा बाबू उसको दिया था, बड़ा बाबू मेरा पीछे में पूरा काला कर दिया है और मेरा गला वाला छिल गया है, आप लोगों ने देखिए ऐसा मारने से और डंडा से मारे हैं, मेरा कोई कसूर भी नहीं लेकिन हमको मारा है, हम न्याय चाहते हैं, हमारा जो हमको जो मारे हैं उसको भी पहले कुछ उसका भी कुछ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और हमारा जो संपत्ति में मेरा जो चाचा जो नौकरी भी ले रहा है और संपत्ति में बराबर का हिस्सा भी ले रहे हैं, तो इसमें कुछ सुनवाई हमको होना चाहिए। ये भिलाई पहाड़ी गांव टोला बिसेडी का है और हमारे पास तिलका चालक और विजय चालक दोनों आए हैं और विजय चालक और तिलका चालक का घर में जो है कि आपसी विवाद है, ज़मीन का विवाद को लेकर घर पे कुछ विवाद हुआ था और उसमें थाना हस्तक्षेप करके एमजीएम थाना के अंतर्गत पड़ता है, एमजीएम थाना के पदाधिकारीगण या जो भी स्टाफ लोग गए थे और इन लोग को बुलाया गया कि आप लोग स्टाफ के द्वारा कि आप लोग 1 बजे कल उन लोग को 1 बजे एमजीएम थाना में बुलाया गया था, जब इन लोग एमजीएम थाना गए उस एमजीएम थाना का कोई स्टाफ जो है विजय चालक को बहुत ही बेरहमी तरीका से मारा है, कमर के नीचे जो दाग हो गया है, जब उसका बेटा को मारते हुए देखा उसकी माँ तिलका चालक तो उन्होंने सवाल किया मेरा बेटा ऐसे कोई गलती नहीं किया आपने इस तरह से क्यों मारा, तब उसी स्टाफ ने वही पुरुष स्टाफ ने पुलिस स्टाफ ने तिलका चालक जो उसकी माँ है विजय चालक की माँ उसको भी थप्पड़ मार के गिरा दिया गया, तो ये बहुत गलत तरीका है, पुलिस प्रशासन का काम उस तरह का नहीं है, अगर कोई है विवाद तो इसलिए हम एसपी साहब से मांग करते हैं कि आपकी जो पुलिस स्टाफ एक महिला को मार के गिराया गया उसको जांच पड़ताल किया जाएगा और उस पुलिस स्टाफ पे कानूनी कार्रवाई किया जाएगा।